नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खुद को कैसे जाने। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर नगर गांव गांव घूमते फिरते रहते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक नगर में पहुंचते हैं और उस नगर के लोगों को इकट्ठा कर उन्हें प्रवचन देते हैं। कुछ समय बाद गौतम बुद्ध के पास नगर का ही एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और उन्हें कहता है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा जो भी प्रश्न है तुम मुझसे पूछ सकते हो। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, आपको हजारों लाखों लोगों ने सुना, आप हमेशा परम शांति की बातें करते हैं, खुद को जानने की बातें करते हैं, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने खुद को जाना है या किसी ने परम शांति को पाया है। यदि लोग आपको जानने के बाद भी परम शांति को नहीं पा रहे हैं और खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपके प्रवचन सुनने का फायदा ही क्या है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं इसका उत्तर भी दूंगा, परंतु आज नहीं, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सुबह दूंगा। कल सुबह तुम मेरे पास आना, परंतु ध्यान रखना, जहां आने से पहले तुम्हें एक काम करना है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, मुझे क्या काम करना होगा? महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरे पास आने से पहले इस पूरे नगर में घूमकर प्रत्येक व्यक्ति से ये पूछ लेना कि कितने लोग परम शांति को चाहते हैं और खुद को जानना चाहते हैं। बस उनसे उनकी इच्छाएं जान लेना। इसके बाद वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह ही उठकर वह हर व्यक्ति के घर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई कहता है, मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन चाहिए। कोई कहता है, मेरी संतान नहीं है, मुझे संतान चाहिए। कोई समाज में आदर सम्मान मांग रहा है, कोई स्वास्थ्य मांगता है और कोई सुंदर पत्नी मांगता है, परंतु कोई भी व्यक्ति परम शांति नहीं मांगता। वह व्यक्ति नगर के सभी लोगों की बात सुनकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आपने सभी लोगों से पूछा कि वह क्या चाहते हैं? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, प्रभु, मैंने सभी लोगों से पूछा, परंतु कोई भी परम शांति को पाना ही नहीं चाहता है, ना ही खुद को जानना चाहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद को जानना ही नहीं चाहता और परम शांति को पाना ही नहीं चाहता है, तो मैं चाहकर भी क्या कर सकता हूँ? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, ये तो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, उन्हें जो सही लगता है वे ही चाहते हैं और उसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, इस तरह तो लोग भटक रहे हैं, ऐसे में लोग कहाँ पहुंचेंगे? क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि लोग सही रास्ते पर आ सकें? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम समझ गए हो कि सही रास्ता क्या है, तो तुम सही रास्ते पर चलो। अगर तुम समझ गए हो कि बाहर की खोज करना व्यर्थ है, तो तुम अब अपने भीतर की ओर मुड़ो। अगर तुम ये सोचते हुए बैठे रहोगे कि लोग भी उसी रास्ते पर चलने चाहिए जो सही है, तो तुम कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल पाओगे। इसलिए तुम लोगों की प्रतीक्षा करना छोड़ दो। तुम अपना पहला कदम आगे बढ़ाओ और अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी अभी भी अपना पहला कदम आगे नहीं बढ़ाते हो, तो तुम भी और लोगों में शामिल हो जाओगे। और फिर दोबारा कोई आकर मुझसे पूछेगा कि बुद्ध, आपके प्रवचन सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु उनके भीतर कोई बदलाव क्यों नहीं आया? इसलिए जरूरी बात ये नहीं कि लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। अगर तुम्हें समझ आ गया है कि
सही क्या है और गलत क्या है, और अगर तुम अपना रास्ता सही चुन पा रहे हो तो उस सही रास्ते पर आगे बढ़ो। ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात रहती है कि जीवन में अब बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने भीतर बदलाव का चयन नहीं करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।